गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कैसा कितना। कैसा कितना है ना, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर एंड चैप्टर 10 कैसा कितना मींस डिस्क्राइबिंग वर्ड। आपने इंग्लिश में स्टडी की है डिस्क्राइबिंग वर्ड, है ना। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन एंड नेमिंग वर्ड्स, है ना। मींस जो किसी नाउन या संज्ञा जो जानते हैं ना आप, कि उनकी विशेषता बताता है। क्या बताता है? उनकी विशेषता बताता है ना, क्वालिटी बताता है नाउन की, नेमिंग वर्ड्स की, है ना। सेम, बोथ आर सेम। तो जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, है ना, मीन्स विशेषण। इसको सीध सरल भाषा में हम बोलें तो किसी नाउन या किसी वस्तु की, है ना। नाउन तो वस्तु ही होता है, जो भी होते हैं आपके नाउन होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, है ना, और पर्सन होता है, प्लेस होता है, उसकी विशेषता जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे कैसा कितना, है ना। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल अबाउट आपने देखा था कि उसमें शेप भी बताता है, साइज भी बताता है और कलर भी बताता है, है ना। तो जो विशेषण है वो क्या है? किसी वस्तु की शेप भी बता सकता है, साइज भी बता सकता है और कलर बता सकता है। जैसे कि बुक, है ना, ये किताब कैसी है? न्यू है, यानी कि नई है, है ना। कलर क्या है इसका? ब्लू है, यानी कि नीला है, ठीक है। तो जैसे कि हम बोलेंगे बाल, तो बाल की विशेषता क्या हो गई? हमारे बाल आपके शब्द आते ही माइंड में क्या होता है? यानी कि ब्लैक, है ना। बाल कैसे हैं? काले हैं। सेब, सेब कैसा है? मीठा है। और उसका कलर भी आ जाता है आपके माइंड में कि सेब कैसा होता है? रेड होता है ना, लाल होता है। तो ऐसे ही जो हमें जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, नाम हैं, नाम या शब्दों के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनकी संख्या बताते हैं, ये कितने हैं, उनका कलर बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ठीक है। अब आप देखिए, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक, पेड़। तो इसकी विशेषता बताएंगे हम, जैसे कि पेड़ कैसा है? हरा है, ठीक, छोटा है या बड़ा है, है ना। तो ये सारी ये चीज़ें क्या हैं? विशेषताएं है। किसकी हैं? पेड़ की विशेषता, ठीक है। लड़की, ये लड़की है, लड़की कैसी है? छोटी है, बड़ी है या सुंदर है, है ना, ठीक है। तो ये भी किसकी विशेषताएं हो गई? इस लड़की की। कैसी है, है ना, और कितनी है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर 10 कैसा कितना, है ना, यानी कि कौन सी चीज़ कैसी होती है और उसकी संख्या भी बता सकते हैं कि वह कितनी है, संख्या में कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है। तो आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है कैसा। कैसा, और दूसरा है कितना, ठीक। तो कैसा में आपके आता है क्या? पिक्चर है सेब, ठीक है। तो सेब कैसा होता है बताइए? सेब कैसा होता है? मीठा। कैसा होता है? मीठा, मीठा सेब, है ना, ठीक। और ये क्या है? केले, है ना। कितने केले हैं? दो केले। तो ये क्या बता रहे हैं? कितना, यानी कि संख्या बता रहा है, दो केले, है ना, ठीक है। और मान लो कि ये है चाय, ठीक है। चाय कैसी होती है? गरम। कैसी होती है? गरम चाय, है ना। तो गरम, तो चाय के बारे में क्या शब्द आया यहाँ पे? गरम। तो जो गरम है वो किसकी विशेषता बता रहा है? चाय की, है ना। यहाँ पे अगर चाय थोड़ी देर और रखी रहेगी तो वो कैसी हो जाएगी? ठंडी, है ना, यानी कि गरम चाय है, ठीक है। ये इसकी भाप निकल रही, इससे पता चला हमें चाय कैसी है? गरम है, ठीक, समझ में आया। और
अब चित्र देख के कुछ समझ में आ रहा है ना, कितने ग्लास हैं? तीन। कितने ग्लास हैं? तीन गिलास, है ना? ठीक। तो ये समझ गए आप कैसा किसी कैसा है, सेब कैसा है मीठा है, बाल कैसे हैं काले हैं, है ना, और चिड़िया कैसी है छोटी है, लड़की कैसी है सुंदर है, पेड़ कैसा है छोटा है, फूल कैसा है सुंदर है। ठीक। तो आज हमने क्या सीखा, डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि किसी भी नाउन या नेमिंग वर्ड्स की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन आपको सरल भाषा में सिर्फ इतना कराया कि कैसा और कितना, ठीक है। आपने अगर इंग्लिश में आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वाला चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो वो आपको हिंदी में ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम वापस करेंगे इसको और आपको बताना है, मैं हिंदी के शब्द राइट करूंगी और आप बताते जाना, ठीक। अभी जैसे मैंने किया था सेब, ठीक। तो कैसा है सेब, कैसा होता है? मीठा, मीठा सेब, ठीक। केला या केले कर लो, कितने केले? दो केले, ठीक। आम, आम कैसा है? मीठा, ठीक। पीला भी कर सकते हो आप, है ना, मीठा और पीला भी कर सकते हो, पीला, है ना। तो क्या कह रहा है, ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? आम की, आम की विशेषता, है ना। केले कितने हैं? दो हैं। सेब कैसा होता है? सेब मीठा होता है और लाल भी होता है, लाल भी कर सकते हो। तो वो सेब के बारे में बता रहे हैं, सेब मीठा है, लाल है, है ना, छोटा है, छोटा सेब है और बड़ा सेब ये भी है, ठीक। केले दो हैं और पीले हैं, पीले भी कर सकते हो। आम मीठा है और पीला है, ठीक। पका भी बोल सकते हो, यानी कि पका हुआ है ना। तो पका हुआ भी जो है वो भी क्या है, विशेषता, यानी कि कैसा है। कैसा, ठीक। लड़की, लड़की कैसी है? सुंदर। पेड़, पेड़ कैसा है? हरा, ओके। मेज, मेज कैसी है? छोटी, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका फूल, फूल कैसा है? लाल। हम रंग भी बता सकते हैं, बताया था आपको अभी, ठीक। और अंगूर, उसका टेस्ट भी बता सकते हैं, खट्टे, ठीक। अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। और लड़का, लड़का कैसा है? मोटा, कैसा है? मोटा, ठीक। कमीज़, कमीज़ कैसी है हमारी? नई, यानी कि नई कमीज़, है ना। पुस्तक या किताब, है ना, किताब कैसी है? पुरानी, ओके। तो आपने देखा कैसा, सेब, सेब कैसा है? मीठा, मीठा सेब, है ना। केले दो केले। आम कैसा होता है? मीठा। लड़की कैसी है? सुंदर। पेड़ कैसा है? हरा। मेज छोटी। फूल लाल। खट्टे अंगूर, है ना। मोटा लड़का, लड़का कैसा है? मोटा। कमीज नई। पुस्तक पुरानी, ठीक। अब हम आते हैं कितना पे, कितना, कितना भी इसमें हो सकता है। एक बार और आप समझ लो इसको, ठीक। कितना, तो यहाँ पे कितने सेब हैं? सेब कितने हैं? तीन। कितने हैं? तीन सेब, ओके। चीनी, है ना, चीनी एक किलो,
1 किलो, ठीक। कितनी चीनी? 1 किलो, ये समझ लो आप चीनी का पैकेट है, ठीक। 1 किलो चीनी, 4 पतंगे, ठीक। लड़कियां, दो लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? दो, ठीक है। तो आपने देखा कैसा, कौन सी चीज कैसी है और कितना मात्रा में, कौन सी संख्या में कितनी है, ठीक है। तो जब आप ये चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर 10, कैसा कितना, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। किताबें, किताबें, कितनी किताबें? 1, 2, 3 किताबें, 3 किताबें। अब यहाँ समझ में आया आपको, कोई भी चीज़ हमने देखी है ना, जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर कैसा है? पुराना, ठीक। पेंसिल है ना, लंबी बोल सकते हो, न्यू बोल सकते हो, नई बोल सकते हो, पेंसिल कैसी है? लंबी है, ठीक है। जब ये शॉप करते करते आपकी छोटी पेंसिल रह जाती, तो हम किसके बारे में बताते? पेंसिल के बारे में, है ना। तो कैसी हो जाएगी? छोटी, ठीक। ऐसे ही आपको देखना है कि जो भी चीज़ें हैं, अंगूर खट्टे हैं, आम कैसा है? आम मीठा है, केला केला पीला है, ठीक। टमाटर टमाटर कैसा है? लाल है ना। तो इन चीज़ों के बारे में हम किसकी बात करते हैं? जब भी हम किसी भी नाउन, है ना, जो आप शब्द होते हैं, या किसी भी पर्सन होता है, वस्तु होती है ना, किसी व्यक्ति होता है, या किसी जगह के बारे में हम उसकी विशेषता बताते हैं कि वो कैसा है, और संख्या भी बताते हैं कि वो कितना है, कलर भी बताते हैं कि उसका साइज, रंग कैसा है, कि अगर लड़का है तो कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है ना। तो ये चीज़ें जो आपके आए, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, तो ये चीज़ें हैं वो हमारी क्या है, विशेषता बताते हैं ना, किसी के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, है ना, आपके बारे में। जैसे आप हो, भी छोटे हो, तो आपके लिए से बोलेंगे ना, कैसा लड़का, यानी मैंने कर दिया लड़का, कैसा? छोटा, ठीक है, बड़ा है ना, मोटा, पतला, पेड़ है, ये पेड़ है, तो इसके लिए आप क्या शब्द यूज करोगे? पेड़ कैसा है? लंबा, कैसा है? लंबा, ठीक है, समझ में आया, पेड़ लंबा। तो ऐसे ही आपको आज का जो टॉपिक है हमारा, कैसा कितना, वो आपको समझ में आया। कैसा? मीठा सेब, मीठा आम या पीला आम, सुंदर लड़की, हरा पेड़, छोटी मेज, लाल फूल, खट्टे अंगूर, मोटा लड़का, नई कमीज और पुरानी पुस्तक। अब कितना है, उसकी संख्या कितनी है ना, वो सेब 1, 2, 3, 3 सेब। चीनी कितनी है ना, उसका वेट कितना? 1 किलो चीनी हो सकती है, आधा किलो हो सकती है। पतंगे कैसी हैं? 4 पतंगे, है ना। आप इसका कलर भी बता सकते हैं कि लाल पतंगे, है ना। दो लड़कियां, कितनी लड़कियां? 2 लड़कियां। तो इसमें आप संख्या भी बता सकते हैं, कितने बच्चे हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेलते हैं तो बच्चे एक तो होंगे नहीं, एक से ज़्यादा होंगे बच्चे, है ना। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि 4 बच्चे हैं, खेल रहे हैं, है ना। किताबें, कितनी किताबें हैं आपकी टेबल पे, तो आप बता सकते हैं 3 किताबें। तो ये 3 जो वर्ड आया है, तो ये किसके बारे में बता रहा है? किताब के बारे में। कितनी किताबें? 3 किताबें, ठीक है। अब आपको मैं कुछ शब्द राइट करके दे रही हूँ और आपको होमवर्क करना है, ठीक। अनार, अनार कैसा होता है? मीठा, ठीक। अमरूद, अमरूद हरा कर सकते हो, है ना, पीला भी कर सकते हो। और कुर्ता,
कुर्ता कैसा है? नया है ना। पेंसिल, पेंसिल कैसी है हमारी? छोटी। ठीक। साड़ी पुरानी, थैला नया। ठीक। केला पीला, लड़की छोटी, पेड़ हरा, फूल सुंदर, और किताब ठीक नई, पतंगे, पतंगे हैं, इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये एक में नहीं आएगा है ना, बहुवचन में आएगा पतंगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं चार है ना। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अनार कैसा है? लाल। कैसा अनार है? लाल। अमरूद हरा। ठीक। कुर्ता नया, पेंसिल पुरानी है ना, छोटी भी कर सकते हैं, पुरानी या छोटी भी कर सकते हैं आप, पेंसिल को छोटी बड़ी कर सकते हैं, आपके पास जैसे भी पेंसिल है। अब ये मेरे पास पेंसिल है, आपने देखा तो पेंसिल कैसी है? नई है ना, या लंबी, लंबी कर सकते हो, छोटी बड़ी भी कर सकते हो और लंबी है ना, पेंसिल कैसी है? लंबी। साड़ी पुरानी, पुरानी। थैला बड़ा, छोटा थैला और बड़ा थैला। केला पीला, लड़की सुंदर है ना, पेड़ लंबा, फूल लाल, किताब नई, और पतंगे चार। ठीक है, तो देखा हमने जो हमारा विशेषण होता है वो व्यक्ति वस्तु स्थान है ना, इन चीज़ों की क्या बताता है? विशेषता बताता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव है ना, बट हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विशेषण। लेकिन आपके लिए अभी है कि वो चीज़ आप शायद ही विशेषण, आप जाओगे सेकंड क्लास में जाओगे, जब आप थर्ड में जाओगे तब आप देखोगे कि वो शब्द जो अभी आपने कैसा और कितना समझा है वो आपके विशेषता में बदल जाता है, यानी कि किसी भी संज्ञा या नेमिंग वर्ड्स की विशेषता जो बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। तो एक तरीके से आपने देखा तो ये भी विशेषता ही है। किसकी विशेषता? अनार की। अनार लाल है, तो अनार लाल है तो ये लाल शब्द जो है वो किसके लिए आया? अनार की विशेषता बता रहा है, अनार लाल है या पका है, कच्चा भी कर सकते थे यहाँ पे है ना, अनार कच्चा है, अनार पक्का है, अनार लाल है ना। तो अमरूद है हरा, क्या है? अमरूद हरा है ना, तो किसी की विशेषता हो गई? अमरूद की। और ये हो गई उसकी विशेषता। कुर्ता नया, पेंसिल लंबी छोटी भी कर सकते थे, साड़ी पुरानी नई भी कर सकते हैं, थैला बड़ा और छोटा है ना, केला पीला, और अगर मैंने यहाँ पे केला की जगह कर दिया होता केले तो आप वहाँ पे उसकी संख्या राइट करते कि एक केले, दो केले, तीन केले या चार केले। ठीक है, तो अगर केला है तो वो पीला है, लड़की सुंदर, और अगर यहाँ पे होता लड़कियाँ तो वहाँ पे आप यानी कि एक से ज़्यादा हैं लड़कियाँ। ठीक है, पेड़ लंबा, फूल कैसा है? लाल है, किताब नई, पतंगे चार। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया कैसा और कितना। ठीक, अब मैं इसमें से आपको बताती हूँ इमली कैसी होती है स्वाद में, खट्टी। ठीक है, खाली जगह भरो, अब देखो खाली
जगह भरो। नंबर तीन है फूल है। अब पहला शब्द क्या है इसमें, इमली कैसी होती है, खट्टी खट्टी। तो हमने क्या शब्द फिल कर दिया इसमें, इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। कुर्सी कैसी है, छोटी है। कुर्सी कैसी है, छोटी है। फूल कैसा होता है, सुंदर है ना, फूल सुंदर होता है या लाल होता है, सुंदर। ठीक, फूल कैसा है, सुंदर है। पेड़, पेड़ कैसा है, लंबा कर सकते हैं है ना, पेड़ लंबा है। ठीक, कौवा। अब आप देखिए कौवा, कौवा कैसा होता है, कौवा। अब कौवे की विशेषता क्या है, कौवा कैसा है, कौवा काला है। कैसा है, काला है। ठीक, आम, आम कैसा होता है, मीठा। ठीक, आम कैसा है, मीठा। नींबू कैसा है, नींबू, नींबू कैसा होता है, लेमन है ना, बताइए कैसा होता है, खट्टा। कैसा, खट्टा। ठीक, तो आपने देखा इसमें इमली कैसी है, खट्टी है। कुर्सी कैसी है, छोटी है। फूल सुंदर है। पेड़ कैसा है, लंबा है। कौवा कैसा है, काला है। आम कैसा है, मीठा है। नींबू कैसे हैं, खट्टे हैं। ठीक, दांत कैसे हैं, दांत कैसे हैं, कैसे होते हैं, दांत कैसे होते हैं, सफेद, सफेद। तो ये क्या बता रहा है आपके दांतों के बारे में, कि आपके दांत कैसे हैं, सफेद हैं। आपके बाल कैसे हैं, काले हैं। तो ये जो बालों की विशेषता हो गई वो काला, कौवे की विशेषता हो गई काला, नींबू की विशेषता हो गई खट्टा, नींबू कैसा है, खट्टा है। ठीक, फूल कैसा है, सुंदर है। इमली कैसी होती है, खट्टी होती है। कुर्सी छोटी है, ऐसा नहीं कि छोटी ही आएगा, आप बड़ी भी कर सकते हैं ना, बड़ी भी कुर्सी होती है। फूल सुंदर है या लाल है। ठीक है, पेड़ छोटा भी कर सकते हो और लंबा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ऊंचा भी कर सकते हो। आम कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, आम मीठा होता है। ठीक, नींबू खट्टा होता है। दांत सफ़ेद होते हैं। अगर मैं बात करूं दही की है ना, दही कैसा है, तो दही कैसा होता है, खट्टा होता है। आइसक्रीम, जो आप आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम कैसी होती, ठंडी। चाय गर्म, तो आपके माइंड में एकदम से आ जाता है कि अगर मैंने चाय की बात की तो चाय कैसी है, गर्म है। ठीक, आइसक्रीम कैसी, ठंडी है, क्योंकि आइसक्रीम तो ठंडी ही होती है ना। ठीक है, दिन कैसा है, जैसे कि आज मैं बात करूँ, अभी विंटर चल रहा है, तो आज का दिन कैसा है, ठंडा है ना, क्योंकि विंटर चल रही है। ठीक, तो जैसे मैंने कहा सूरज, सूरज कैसा है, चमकीला है ना, पीला भी कर सकते हो, चमकीला है ना, गर्म भी बोल सकते हो। सूरज कैसा होता है, गर्म होता है, उससे रेज निकलती हैं, है ना। तो आज आपने क्या सीखा, कैसा और कितना। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक, अब बताइए, आपको अभ्यास कराती हूँ मैं एक्सरसाइज में, बताइए कौन कैसा है। मेरे पास लाल कार है, तो कार कैसी है, लाल। ठीक है, लाल वर्ड इसमें आया, तो लाल क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, इस कार की। आप देखिए कार कैसी है ना, लाल है। मेरे पास लाल कार है, तो कार कैसी है,
लाल, ठीक। तो आपको यहाँ करना है लाल कार है, मैं ठंडा शरबत पीता हूँ। कैसा शरबत? ठंडा। तो यहाँ पे आपको राइट करना है ठंडा, ठीक। बताओ कितना है? अब ये आपको दिखाई दे रही गर्ल है, गर्ल के दोनों हैंड में वन वन पेंसिल है। जिया दो पेंसिलें लाई, कितनी पेंसिलें लाई? दो। तो आपको फिल करना है दो पेंसिलें, है ना। नितिन चार आम खा चुका है, कितने आम खा चुका है? चार। तो इसमें जो चार आया वो है नितिन ने कितने खाए हैं आम? चार, ठीक है। पेंसिल कितनी है? दो। तो इसमें जो संख्या बताता है किसी वस्तु के बारे में, है ना, किसी के भी बारे में कि वह कितनी है, तो ये भी एक विशेषता ही होती है और ये आता है आपके कितने में, ठीक है। तो आपने देखा इसमें मैंने आपको मिक्स दिए हैं, अनार लाल है, अमरूद हरा है, कुर्ता नया है, ठीक, पेंसिल लंबी है, साड़ी पुरानी है, थैला कैसा है? बड़ा है, केला पीला है, लड़की सुंदर है और पेड़ लंबा है, फूल कैसा है? लाल है, किताब नई है और पतंगे चार हैं, ठीक है। तो आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।